देखिए तैयारी शुरू हो गई है और सबसे पहले तो दो लेयर लिए हैं और उस पर अब अच्छे से उसको बटर लगाया जाएगा उसके ऊपर। उसके बाद ग्रीन चटनी, तो एक जो लेयर है उस पर ग्रीन चटनी लगाई गई और उसके बाद पहले से चॉप करी हुई वेजिटेबल्स हैं वो लगाए गए। सबसे पहले कैप्सिकम, उसके बाद कैप्सिकम के बाद में टमाटो, उसके बाद में अनियन, उसके बाद ऊपर से इसमें डाल रहे हैं चाट मसाला। आप सबका पसंदीदा चीज़ भी इसमें आ गया है, भर भर के चीज़ डाला है इस लेयर में। आगे देखते हैं आगे क्या होना है। उसके बाद ठीक है तो दूसरी ब्रेड से इसको कवर कर दिया गया। अब उसके बाद इसके ऊपर ये क्या डाला है अपन ने, मैक्सिकन में आपका रेड एलो और इटालियन सिपरी सब्जी है। अच्छा, तो ये मिक्स सब्जियां हैं इसमें और उसके ऊपर से और चीज़ इसमें ऐड किया जा रहा है। तो अब इसके ऊपर ठीक है जी, एक और लेयर, उसके बाद फिर और ऊपर से बटर, ठीक है। उसके बाद ऊपर से इसमें और पनीर ऐड किया गया। पनीर में किस मेयोनीज में है ये? जी मेयोनीज के साथ। ओके ठीक है, इसके ऊपर और चीज़ भर भर के चीज़ चल रहा है। इस पूरे सैंडविच को रेडी करने में कितना टाइम लगता है भैया? करीब ये 2-3 मिनट लग जाता है। इसके ऊपर एक बार फिर से बटर की लेयर, उसके बाद अब इसमें क्या ऐड कर रहे हैं अपन? ये आपका तंदूरी सैंडविच का मसाला। इसके ऊपर ही कौन सा मसाला डाल रहे हैं अपन? तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला, सही है। अब इसके ऊपर से डाला जा रहा है इसमें और मेयोनीज। जितनी लेयर्स हैं सब में चीज़ डल रहा है, मेयोनीज, वेजिटेबल्स जो जो हैं। उसके बाद फिर ऊपर से इसमें डाल रहे हैं मोज़रेला चीज़। तो ये अखिल भाई ने इसको उठाया और ये पूरा का पूरा, बाप रे, 5 लेयर का सैंडविच जा रहा है ओवन में। सैंडविच अब रेडी हो गया है, अब देखिए आप किस तरह से दिख रहा है और अब इसको निकाला जा रहा है ओवन से बाहर। सबसे पहले आ गया है यहाँ पर तंदूरी सॉस, बढ़िया। उसके बाद में पनीर के स्लाइसेस, क्या बात है। उसके बाद में कुछ प्री चॉप्ड वेजिटेबल्स हैं। इसके बाद कुछ स्पाइसेस, इसमें ओरिगैनो आ गया है, 2 मसाले मिक्स करके, फिर चिली फ्लेक्स, क्या हो। अब उसके बाद आप सबका प्यार चीज़, उसके बाद एक ये चीज़ स्लाइस, सही है। इसमें आ गए हैं फ्रेंच फ्राइज थोड़े से, फ्राइज़ अपने रेडी हो गए हैं। उसके बाद ये जो इनका स्पेशल मसाला है उसमें इसको अच्छे से रैप अप किया जाएगा। अब होगा दूसरी लेयर के ऊपर काम, मेयोनीज की पहली लेयर, इस पर भी क्या बात। जो फ्राइज अपन ने रेडी किए थे, अये हाय सजा दिया जाएगा उससे, क्या बात है। एक लेयर ये रेडी हो गई है जिसमें कि आपको चीज़ दिखाई दे रहा है, ये दूसरी लेयर रेडी हो रही है जिसमें आपको ब्रेड के ऊपर मेयोनीज, उसके बाद फ्रेंच फ्राइज और फिर गोल्डन कॉर्न्स। अब उसके बाद फिर से इसमें आएगा चीज़। ये बन गया हमारा ट्रिपल डेकर सैंडविच। तो थिकनेस देखिए इस सैंडविच की। तो गाइस अपना सैंडविच ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, क्रिस्पी, एकदम क्रिस्पी है ब्रेड। जो साउंड आ रहा है ना उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये सैंडविच है ना प्लेट में आया नहीं है, इसको एडजस्ट करके रखा गया है, इतना बड़ा सैंडविच है ये। तो रेडी हो गया है हमारा पनीर क्लब सैंडविच।
ये गार्लिक चटनी इनकी यहाँ की एकदम स्पेशल वाली, ठीक है, चाइनीज मसाला, ठीक है जी। और ये डल रहा है इसमें मेयोनीज, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद लगाएंगे ब्रेड पर अमूल बटर, उसके बाद एक ग्रीन चटनी, उसके बाद एक चीज स्लाइस भी आ गया इसमें। ये आ गया दूसरा लेयर, एक और चीज स्लाइस इसमें आ रहा है अभी, और बढ़िया। और अब आ गया ये तीसरा लेयर। एक बार देख लीजिए गाइस कितनी भारी क्वांटिटी में अमूल बटर डला है, और अब सैंडविच ये पूरा जाएगा इसके अंदर। तो जो अपना डबल चीज ट्रिपल लेयर पनीर सैंडविच था वो रेडी हो चुका है, और तो ऊपर से अमूल बटर, और उसके बाद ग्रीन चटनी, फिर ये गार्लिक चटनी, और सैंडविच हो गया ये अपना रेडी। पार्सल करना है ना। तो वेजिटेबल्स सौते करने के बाद एक पान कासा का स्पेशल सॉस है, उसको ब्रेड पर ऐड किया जाएगा दोनों स्लाइसेस पर। So beautiful. Cheesy-licious. Cheese, paneer, ultimate combination here. Gazab. ये ब्रेड पे बटर, ये कौन सा बटर अपन यूज करते हैं यहाँ? अमूल बटर। तो विशाल भाई मेरे साथ में है जो कि ओनर भी है कैफे जुनून के। अब एक स्लाइस पे अपन डालेंगे मस्टर्ड कसुंदी। बताना चाहे तो मेयोनीज जो है ये है, ये कौन सी ब्रांड की अपन यूज करते हैं? अपन वीवा की यूज करते हैं। सो बाय द टाइम ही डज दैट अपन इसको ग्रिल कर लेंगे, right? तो एक सैंडविच में 4 पनीर के पीसेस यहाँ पर डालते हैं जो कि साइज में काफी ठीक ठाक है। ये अमूल डाइस्ड मोज़रेला। अब अपन इस पे रोस्टेड जो हमारा पनीर था वो इसको प्लेस करेंगे। बिकॉज दिस सैंडविच इज डिवाइडेड इनटू लाइक 4 इक्वल पार्ट्स, एंड में अपने को वो देखेंगे, तो अपन ये 4 ह्यूज पीसेस डालते हैं, जैसे चारों स्लाइसेस में एक एक बड़ा पनीर है। इसमें अपन डालेंगे बेजल, मिंट, एकदम फ्रेश सारी वेजिटेबल्स सामने ही चॉप होंगी, और एक एक करके सारी सैंडविचेस के अंदर फिर आपको दिखाई देंगे। रेड चिली सॉस इसमें डाला है, और उसके बाद में थोड़ा ग्रीन चिली सॉस, ग्रीन चिलीज। ये अपन कौन सा सॉस इसमें ऐड कर रहे हैं? टबास्को। वी विल आल्सो ऐड रेड पेपरिका, सो टोमेटोज, कैप्सिकम, रेड पेपरिका, ग्रीन चिली, मिंट, चिली सॉसेस, टबास्को, थोड़ा सा लेमन, एंड वी आर डन। दिस इज ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर, चाट मसाला एंड सॉल्ट। दिस इज डन। तो इस पे चीज जाएगा, दैट इज चेदार चीज। तो अभी ये रोस्ट होगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर इसकी ऊपर की लेयर बनेगी। ओके, राइट।
दिस गोज इनसाइड पिज़्ज़ा सॉस बेसिल मोज़रेला चीज़ मतलब फास्ट फूड की तो जान माना जाता है चीज़ को और वो यहाँ पर आपको भर भर के दिखाई देगी This becomes your loco. जो कोरिएंडर की स्टेम होती है उसे अपन बिना वेस्ट किए यहाँ पे वाइट के लिए डालते हैं इट एड्स अ ब्यूटीफुल फ्लेवर जब रोस्ट होता है गेट दिस आउट ये प्रॉपर मेल्ट हो चुका है विल पिक दिस अप एंड ओके अब ये फिर से ओवन में जाएगा ऊपर चीज़ की लेयर अंदर फिलिंग और उसके ऊपर भी चीज़ की लेयर तो लगभग 10 मिनट लगे हैं इस सैंडविच को रेडी करने के लिए जो पूरा मेकिंग था इसका वो आपने देखा कितना अमेजिंग है और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है